हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी इंट्रेंस पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमएससी और बीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के हम पढ़ रहे थे और ये हम एग्जाम्पल नंबर 27 में पहुंचे हैं। और ये है हमारे पास सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d²y/dx²y = sec(x). ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसका सी एफ निकालना होगा। सी एफ निकालने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। तो एक्सिलरी इक्वेशन के लिए सिंपली जहाँ पे भी हमारे पास d²y/dx² होता है वहाँ पे m पुट कर लेते हैं। तो m² + a² = 0, तो यहाँ से m बराबर आया हमारे पास ±a i/i, ये आ चुका है। तो अब यहाँ से हम सी एफ अगर लिखना चाहें तो सी एफ हो जाएगा c1 cos ax + c2 sin ax। फ्रेंड्स, इनको सॉल्व करने के जो जनरल मेथड सी एफ किस तरह से निकालते हैं, इनके जनरल मेथड से मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। मैंने यहाँ डायरेक्टली सी एफ लिखा है। अब पी आई हमें लिखना है, हमें पी आई सीखना है। बेसिकली हमें इसमें पी आई निकालना सीखना है। तो पी आई निकालने के लिए 1/FD³x, तो 1/FD³x जो आर एच एस साइड में हो, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1/d²+a² sec(ax), ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1/d+a i/d - a i/sec(ax), ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a/d - a i/b/d+a i/, जहां पे a और b फ्रेंड्स को कुछ कांस्टेंट है, उनको हम निकालेंगे अभी। तो ये इनको किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको हम बेसिकली पार्शियल फैक्टर कहते हैं। तो पार्शियल फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, यानी हमने लिखा है a/d+a i/d - a i/(b/d - a i), ये हमने लिखा है। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर d - a i/d + a i/ इसका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा तो हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं यहां से d - a i/d, a d i/ इसी तरह से यहां से इसे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा b d plus, और ये हो जाएगा b a i/. तो ये हो गया हमारे पास, यहां से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास और d+a i/ था, ये रहा b के नीचे d+a i/ है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ये हो गया हमारे पास। अब फिर से अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर क्या कर सकते हैं, d के जो कोफिशिएंट है वो एंड जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो, सब कुछ हम कंपेयर कर सकते हैं। अब बेसिकली हम d के कोफिशिएंट जो कांस्टेंट कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास आ जाएगा a और यहाँ पे b +b = 0, तो यहाँ से अप्लाई होगा a = -b, और कॉन्स्टेंट है वो कंपेयर करें तो ये हमारे पास a a i/b a i/(1), क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें a की या b की, कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर a की जगह -b पुट करें तो ये जगह -b a i/d a i/(1), तो ये हो गया हमारे पास -2b a i/, तो यहाँ से b बराबर हो गया -1/2a i/, तो a बराबर क्या है इसका नेगेटिव पार्ट, तो ये हो रहा है 1/2a i/, तो यहाँ से a और b की वैल्यू हमारे पास निकाल चुके हैं हम। तो अब इस इक्वेशन को फाइनली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/d - a i/ and -1/d+a i/, और 1/2a i/ को कॉमन ले लें, तो ये लिख सकते हैं हम पी आई। यानी हमने a और b की वैल्यू पुट की और उसके बाद 1/2a i/ को जो ऊपर था उसको कॉमन में ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास और sec(ax), ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2a i/ को बाहर, ये हो जाएगा हमारे पास
वन अपॉन डी माइनस ए आयोटा सेक ए एक्स माइनस वन अपॉन डी प्लस ए आयोटा सेक ए एक्स। ये हो गया फ्रेंड्स। अब इसके पास हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास वन अपॉन डी माइनस एल्फा क्यू एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एल्फा एक्स माइनस एल्फा एक्स ऑफ डी एक्स। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू ए आयोटा, और ये हो गया हमारे पास। यहां से अगर देखें तो एल्फा की जगह क्या है, यहाँ पे अगर एल्फा की जगह तो ए आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स, और ये हो गया हमारे पास सेक ए एक्स माइनस। अगर इसमें हम देखें तो इसमें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी प्लस ए आयोटा को डी माइनस माइनस ए आयोटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एल्फा बराबर क्या हो गया माइनस ए आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं हम, और डी एक्स यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रेशन सॉरी पहले तो ये आएगा ई टू द पावर माइनस एल्फा आयोटा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, और यहां से हो जाएगा ई टू द पावर एल्फा आयोटा एक्स ऑफ सेक ए एक्स डी एक्स। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से हम यहाँ पे ई टू द पावर ए आयोटा एक्स को ओपन कर सकते हैं, अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो इसको हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं, वन अपॉन टू ए आयोटा तो है और ई टू द पावर ए आयोटा एक्स है, और ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस ए आयोटा एक्स को क्या लिख सकते हैं कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, ये लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई हुआ इसका सेक ए एक्स से, और सेकेंड टर्म हमारे पास माइनस ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये अल्फा नहीं है ए है, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ। अब ई टू द पावर ए आयोटा एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और ये हो गया सेक ए एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास वन अपॉन टू ए आयोटा को हमने बाहर रखा है और ई टू द पावर ए आयोटा एक्स। अब अगर हम sec का मल्टीप्लाई करें तो sec ax cos ax 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस आयोटा sin ax डॉट cos ax में मल्टीप्लाई करें तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos ax, तो sin ax अपॉन cos ax हो जाएगा tan ax, tan ax और साथ में आयोटा, ये हो गया dx माइनस। अब इसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी e टू द पावर माइनस ए आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस सिमिलरली इसकी तरह आयोटा टेन ए एक्स। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, तो यहां से अब डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम वन अपॉन टू ए आयोटा ई टू द पावर ए आयोटा एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस आयोटा अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स, और ये एक्स प्लस आयोटा अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स, ये हो गया। तो यहां से अगर हम चाहें तो अब वन अपॉन टू ए आयोटा तो ये है ही बाहर, एक्स के कोएफिशिएंट को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो एक्स को मन लेंगे तो एक्स को मन लेने पे आएगा ई टू द पावर ए आयोटा एक्स, और यहां से आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये हो गया। और माइनस और यहां से माइनस ये ले रहे आयोटा अपॉन ए लॉग सेक ए एक्स कॉमन ले ले, तो हमारे पास ये हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स आयोटा प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स आयोटा, यानी यहां से ये आ गया हमारे पास। अब फिर से इन दोनों का सम क्या है, ई टू द पावर ए आयोटा एक्स ये था हमारे पास, और ई टू द पावर माइनस ए आयोटा एक्स ये था,
दोनों का अगर सम करें तो सम करने सॉरी माइनस करें इसमें से इसको माइनस करें तो सिंपली हमारे पास कॉस वाली टर्म कट जाएगी और आ जाएगा 1/2 iota A x डॉट 2 iota sin ax माइनस, इस तरह यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log sec ax, इन दोनों का सम करेंगे इसका और इसका मतलब इस वाले टर्म का इस वाले टर्म का ओनली, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 cos ax